न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर गाजीपुर से, जहां विद्युत विभाग के कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। गाजीपुर शहर के लाल दरवाजा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में अचानक आग लग गई। कार्यालय परिसर में रखे दो ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि आग कार्यालय के खुले परिसर में ही रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ दो ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, इसमें जो का राइट वाले में पहले आग लगी थी और उसकी आग की वजह से दूसरा ट्रांसफार्मर साथ में था, उसमें भी आग लग गई। हाँ, नुकसान तो है ही, आग लगे और ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं तो ये नुकसान ही है ना। लाइट तो ट्रिप हो गई थी, जो का ट्रिप हुई है, सप्लाई ट्रिप हुई है। फायर ब्रिगेड ने अपना जो का आग बुझाया है, तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया था, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे। अमित शाह ने उचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे को भाजपा की सदस्यता दिलाई। अमित शाह को सुनने के लिए बड़ा जन सैलाब उमड़ा। रायबरेली राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी देर शाम रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को वोट देने की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है, जुमले वाली सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में भाजपा के प्रधानमंत्री इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी हंसकर टाल देते हैं। पता नहीं राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हैं। टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और उसके बाद कुंडा थाने में बैठकर मीटिंग का आयोजन किया और किसानों की मांगे मान ली गई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा का नया टेंडर हुआ है और नए टेंडर में आए प्रबंधक द्वारा लोकल स्टाफ को हटा दिया गया। सवारी ले जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल प्लाजा ज्यादा लिया जा रहा था। टोल प्लाजा पर इमरजेंसी पड़ने पर जो मेडिकल सुविधा के लिए जीवन दाहिनी एम्बुलेंस खड़ी की जाती है, वह एम्बुलेंस भी वहां काफी लंबे समय से खराब पड़ी थी। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा द्वारा वहां से गुजरने वाले लोकल वाहनों के साथ अभद्रता तक की जा रही थी, जिसको लेकर दिए अल्टीमेटम के अनुसार टोल प्लाजा में जाकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। कुछ देर टोल फ्री रखा, उसके बाद प्रशासन जसपुर विधायक आदेश चौहान और टोल प्लाजा के प्रबंधक के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु और यात्री वाहन आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर पहले 7 दिनों में 1,80,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग और रास्ते में है। बता दें कि केदारनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर रुकने की एक निश्चित क्षमता है। जनपद में स्थित पार्किंगों की भी एक निश्चित क्षमता है। सबसे बड़ी बात कि सीतापुर और सोनप्रयाग स्थित पार्किंगों में किसी वाहन की एंट्री हो जाने के उपरांत वाहन 3 दिन तक पार्किंग में ही रहता है। पार्किंग की एक निश्चित क्षमता होने और संजकाशी काफी कम होने से बाहर से अत्यधिक संख्या में वाहनों के आने से यात्रा मार्ग अत्यधिक बाधित हो रहा है। देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा जो है हमारी शुरू हो चुकी है और रोज जो है हमारे पास जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है बिना पंजीकरण किए यहाँ पे आ रहे हैं। उन सभी श्रद्धालुओं को जो है यहाँ से वापस किया जा रहा है। हम मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए वो अपना पंजीकरण अवश्य करें, तभी आपको धाम में जो है दर्शन करवाने के लिए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम दर्शन को पहुंच रहे अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे से अव्यवस्था हो गई है। बिना पंजीकरण यात्री पंजीकरण 1 सप्ताह और उससे अधिक दिन बाद का होने के बावजूद यात्रा के प्रथम सप्ताह में पहुंचने से दिक्कतें आ गई। इतना ही नहीं, कुछ तीर्थयात्रियों के पास फर्जी पंजीकरण मिलने से परेशानी बढ़ गई। विडंबना देखे तो यमुनोत्री गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार देहरादून और टिहरी जनपद पर कर उत्तरकाशी पहुंचना होता है। वैसे भी हरिद्वार देहरादून या टिहरी में बिना पंजीकरण या फर्जी पंजीकरण के तीर्थयात्रियों को ना रोका जाना भी उत्तरकाशी की व्यवस्था में सेंध लगाना लाजमी है। भले जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती करी हो, बिना पंजीकरण नियत तिथि से पहले आने वाले श्रद्धालुओं को वापस जाने की सलाह दी है। साथ ही फर्जी तरीके से पंजीकरण करने वाले ट्रैवलर्स एजेंट वाहन मालिकों पर मुकदमा किए जाने का निर्णय लिया गया।
पहाड़ों के देवता के रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ जगदीशिला डोली पहाड़ों से उतरकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पतित पावन माँ गंगा में स्नान किया और डोली की विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति की ओर देव संस्कृति की सुरक्षा, संस्कृति भाषा के उन्नयन की कामना की गई। ढोल दमियों और नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी की अगुवाई में पहुंची बाबा की डोली का हर की पौड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ डोली को माँ गंगा में स्नान कराया गया, पूजन किया गया। डोली का मंगला माता आदि ने स्वागत किया। ये डोली यात्रा पिछले 24 सालों से लगातार चली आ रही है। 371 धाम चिन्हित कर लिए गए हैं और इसी तरह से 1000 धाम चिन्हित करके पूरे विश्व में उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का कार्य करना मुख्य उद्देश्य है। हरिद्वार पहुंची देवडोली यहां से गंगा दशहरा के दिन विशौनी पर्वत टिहरी गढ़वाल पहुंचेगी और वहां से 16 जून को इस यात्रा का समापन होगा। उत्तरकाशी में जहां 3 दिन से लापता चल रहे अपर सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून की सकुशल बरामदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सहायक अभियंता को किसी साजिश के तहत अपहरण किया गया। आपको बता दें कि सहायक अभियंता की अंतिम लोकेशन टुंडा के एक होटल में मिली थी, तब से वो गायब चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में GIC सर्वे में हुई गड़बड़ी को लेकर समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर आयुक्त इंद्रजीत खुद सुबह से शिकायतों को सुनते हुए नजर आए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया तकरीबन 200 समस्याएं मिली हैं जिनका निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई शिकायतें और मिल रही हैं। सभी जोनल अधिकारी भी मौके पर बैठे हुए नजर आए। कुछ लोगों की समस्या का निस्तारण भी तभी किया गया। कानपुर में गंगा के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कानपुर में गंगा किनारे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज के गंगा कटरी में गंगा किनारे एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जैसे जैसे 20 मई का मतदान नजदीक आ रहा है, ऐसे में मतदान जागरूकता को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर वर्ग और तबका उत्साह से लबरेज है, ऐसे में दिव्यांगजन भी किससे पीछे नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियान को श्रृंखला में स्वीप अभियान 2024 के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई पार्क में दिव्यांगजनों को शत प्रतिशत मतदान के लिए सिविल डिफेंस कोर झांसी के घटना नियंत्रण अधिकारी और वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने विश्वास दिलाया कि दिव्यांगजन एकजुट होकर मतदान करेंगे और सभी को प्रेरित भी करेंगे। आगरा में पीली सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तख्ती और चिमटा लेकर प्रदर्शन किया। मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ आक्रोश दिखा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ACP लोहा मंडी कार्यालय पर पहुंची महिलाएं, बेटियां पैदा होने पर शौहर ने 3 तलाक देकर अपनी पत्नी को बाहर निकाला था। पत्नी के साथ हर रोज मारपीट होती थी, अत्याचार होता था। थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ACP लोहा मंडी मयंक तिवारी ने 7 दिन का गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 3 तलाक मेरा मुकदमा भी लग गया, लेकिन उन लोगों की कोई अरेस्ट नहीं हुई। पहले बेटी हुई मेरी तो मुझे 7 महीने के लिए घर से निकाल दिया गया, पैसों की डिमांड करते थे। मेरे पापा ने 35 लाख की शादी करी थी, काम वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन अब वो इतना कहाँ से करेंगे। उसके बाद भी फिर समाज के लोगों के जरिए मैं वहाँ पहुँची। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई, इसको तो हाथ तक नहीं लगाया उन लोगों ने, मुझे 1 साल के लिए मेरे घर पे फेंक दिया गया। जालौन के कोतवाली उरई पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संबंधित 4 अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा के शहजादे मुलायम के बेटे अखिलेश यादव आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। माफिया सपा के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, इनका गठबंधन देखिए। उनके गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। प्रतापगढ़ में BSP राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का आगमन हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BSP राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष की सभी पार्टियां, पूंजीपतियों की पार्टियां, किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भाजपा पार्टी की नजर नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में BSP सरकार रहने पर किसानों को उनकी फसल सुविधा को प्राथमिकता दी गई। भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार न मिलना, बढ़ती महंगाई बेहद चिंताजनक है। सपा सरकार में भी ब्राह्मण समेत छोटी जातियों का जमकर दोहन किया गया। भाजपा कांग्रेस और सपा को केंद्र आने से रोक लगाना चाहती है। BSP के समर्थक इन विपक्षी पार्टियों की जुमलेबाजी में नहीं आने वाले हैं।
झांसी के बरुआ सागर से खबर है, जहां लोकसभा के पांचों चरण को शांति और स्वच्छता साथ संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों के लिए दिन रात लगा हुआ है। इसी बीच चुनाव पुलिस प्रेक्षक एस लक्ष्मी बरुआ सागर थाना क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों सहित बॉर्डर बैरियर का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। प्रेक्षक एस लक्ष्मी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और अधीनस्थ को आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिए। सहारनपुर के गागरहेड़ी थाना क्षेत्र के हरोड़ा गांव में दिन निकलते ही गोलियों की दरतहार से इलाका गूंज उठा। खेत पर काम करे किसानों पर दूसरे पक्ष ने कई राउंड फायरिंग कर दी। किसानों ने भागकर जान बचाई। फायर की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। तपंचा तालाब में डालकर सोशल मीडिया पर फरार, आपको बता दें कि वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंचे डायरेक्ट 112 ने ग्रामीणों की मदद से पास के तालाब से बरामद किए अवैध हथियार। हमीरपुर में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान से डरो, उसके पास आइटम बम है, हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन दलितों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस आपका एक्सरे करवाएगी, उसके बाद आपकी संपत्ति वोट जिहाद करने वालों को दे देगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक मकान में अचानक से आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। वहीं धधकती हुई इस आग से 7 लाख रुपए कैश भी जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी 212B2 ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मनोज कुमार ओझा के मकान में B2-34 में अचानक से आग लग गई। मनोज इस मकान में किराए पर रहते थे। आग लगने के दौरान दो लड़के भी इस मकान में सो रहे थे। आग की हल्की लपटें देख दोनों लड़के बाहर निकल गए और शोर मचाने लगे। तभी आसपास पड़ोस के लोगों ने घर का सामान निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार ने थाना रेल बाजार, थाना कैंट, थाना मूलगंज, फिलखाना और थाना कोतवाली की विवेचना समीक्षा की, जहां थाना कैंट, थाना मूलगंज और थाना फिलखाना की विवेचना निरस्तर बेस्ट रहा और थाना कोतवाली, थाना रेल बाजार को सुधार के लिए दिया गया 1 हफ्ते का वक्त। कानपुर पुलिस आयुक्त अपराध अपराधियों के खिलाफ जारी सख्त रवैये के चलते सभी उपयुक्त स्तर के अधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्रों की नियमित समीक्षा बैठक कर थानों में लंबित मामलों की विवेचना करते रहते हैं। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त पूर्वी श्रवण कुमार ने पाया कि थाना कैंट, थाना मूलगंज और थाना फिलागंज की विवेचना कर निस्तारण की हकीकत जानी। इसमें सभी थानों की विवेचना निस्तारण बेस्ट रही है। रायबरेली में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि 30 साल तक आपने मुझसे सेवा का मौका दिया, आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। रायबरेली और मीठी मेरा परिवार है, आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की आंधी चल रही है। अखिलेश ने कहा कि रायबरेली की जनता देश में जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने जनता से कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों का अपमान किया। खबर गोंडा से, जहां गोंडा संसदीय के अतरौला विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बलरामपुर जनपद के रेहरा इलाके के इटावा गांव में भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवदन सिंह के समर्थन में सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मां पाटेश्वरी, खैरा भवानी, हनुमानगढ़ी और तमाम देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद सीएम ने कहा कि भीषण गर्मी में हजारों लोग आए हैं, उनका अभिवंदन है। योगी ने कहा कि रामलला विराजमान हुए, 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। बलरामपुर में ही राम मंदिर निर्माण की रणनीति बनी थी, इसे रामलला पर पहला अधिकार बलरामपुर का है। ये काम कांग्रेस और सपा ना करती, लेकिन आपकी ताकत से मोदी ने कर दिखाया है। वायु प्रदूषण गुणवत्ता सुधार के मामले में पूरे देश में कानपुर शहर अव्वल नंबर पर आया है। महापौर कानपुर नगर ने सरकारी प्रयास की प्रशंसा करते हुए सभी शहरवासियों का आभार प्रकट किया। कानपुर शहर वायु गुणवत्ता के मामले में पूरे देश में अव्वल नंबर पर आया। अभी तक ये 131वें नंबर के स्थान पर था। आज कानपुर की प्राथमिक नागरिक महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी 200 करोड़ की राशि के सही और उचित उपयोग के चलते ये संभव हो सका है। भैया, वायु प्रदूषण 131 शहरों में हमारा शहर नंबर 1 पर आया है, इसलिए मैं अपने शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सुबह उठ करके मैं जागरण में जब पढ़ा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि हमारी मेहनत जो मैं करती हूँ 24 घंटे वो सफल है। आज हमने देखा, इसके लिए हमने बड़ा काम किया। वायु प्रदूषण के 200 करोड़ रुपए जो आया था उसमें हमने जापान पद्धति से, मियाबादी पद्धति से भी 5 लाख पेड़ लगाए। नमो वन हम 4-5 तैयार किए और 3 करोड़ का करीब हमने वो बनवाया, कूड़ा घर बनवाया, और करीब 1 करोड़ का से ऊपर की हमने गाड़ियां खरीदी पानी छिड़कने के लिए। महोबा में मंदिर धोनी की सियासत तेज हो गई है। मंदिर धोनी की सियासत में बीएसपी प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी आमने सामने, बिना शुद्धता के बीजेपी प्रत्याशी के मंदिर में दाखिल होने पर सियासत। ब्राह्मण समाज के युवाओं संघ बीएसपी प्रत्याशी ने मंदिर को शुद्धता के लिए गंगा जल से धोया। बीते दिनों परिवार में मौत के बाद बिना शुद्धता के मंदिर पहुंचे थे बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल।
रायबरेली के आईटीआई ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त सभा में मनसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी ने भावुक अपील की। सोनिया गांधी ने मनसे कहा कि राहुल गांधी की रायबरेली वासियों को सौंप रही हूं मैं आपको अपना बेटा। दरअसल स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी मंच पर तब पहुंची जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।